बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, इस देश में जो इस देश का कानून चलता था किस आधार पे, मनुष्य वृत्ति के आधार पे, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मनुष्य वृत्ति के आधार पे ये देश चलता है। इस देश में छोटा बड़ा है, इस देश में गैर बराबरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में मनु के कानून को जलाने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी बात साथियों जो काम कोई नहीं कर पाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में कई श्री व्यवस्था को खत्म करके एक नया संविधान में देने का काम किया। आज हमारे देश में संविधान है, आज भारत का संविधान है जिसमें हमें बराबरी मिली है, जिसमें हमें समानता मिली है, जिसमें हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, जिसमें हमें खाने पीने का अधिकार मिला है, जिसमें हमें शान से जीने का अधिकार मिला है, जिसमें हमें जमीन का मालिक बनने का अधिकार मिला है। आज बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस हमारे समाज में बड़ी संख्या में नजर आते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना होता कोई चपरासी भी नजर नहीं आने वाला था। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी से आज साथियों आप लोग अपना मंच लगा के, अपना साउंड लगा के, अपना टेंट लगा के, अपना झंडा लगा के, अपना साथियों पर नारा लगा करके आज मंच पे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक समय था हम बोल नहीं सकते थे, अगर बोलते थे हमारी जीभा की अधिकार दी जाती थी, अगर सुनते थे हमारे कान में दांव डाल दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आज देश का संविधान लागू करके जो हमें बोलने नहीं देते थे आज उनकी बोलती बंद कर दी है, बोलती बंद अब नहीं बोल सकते। आज ये बहुजन समाज पार्टी का मंच लगा है, हमारी बहने बेटी हैं बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल करके, सुंदर वस्त्र डाल करके इधर हमारी बहने बैठी हैं। हमारी महिला चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकती थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, महिला को पैर की जूती कहा गया। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो महिला देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, देश के मुख्यमंत्री को, देश में वकील, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा करती है वो पैर की जूती नहीं, वो देश की जननी है, संसार की जननी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की महिला को बराबरी देने का काम किया, इस देश की महिला को बराबरी देने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा था, एक बार कहा था अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पैदा ना होते, संविधान ना लिखते, महिला को बराबरी ना देते, क्योंकि नेहरू जी की अकेली बेटी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा अगर महिला को बराबरी ना मिलती मैं कभी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी।